हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन ऑन स्वप्निल वेल्थ मंत्रा। दोस्तों थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, इस बार देर से आया। चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स, अपने व्यूअर्स जिन्होंने मेरी वीडियोस को शेयर किया है, लाइक किया है, मैं उन्हें बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं लोगों की बदौलत मेरे सब्सक्राइबर्स 250 से ऊपर हो चुके हैं सिर्फ 2 महीने में। फ्रेंड्स रियली यही तो एक मोटिवेशन होता है जो किसी को सिखाता है आगे बढ़ना। और सही में मैं आगे और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाने वाला हूँ जिसके जरिए आप सीख पाएंगे कि YouTube से ऑनलाइन कैसे अर्निंग की जाती है, कैसे YouTube का चैनल बनाया जाता है, वीडियोस कैसे अपलोड की जाती है। ऐसे ही मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस डालने वाला हूँ जिसके जरिए आप YouTube से बहुत अच्छा पैसा कमा सकेंगे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए आप बेझिझक मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा रेड कलर का, आप उसे क्लिक कीजिए और आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा वो सीधे आपके पास पहुंच जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि शेयर मार्केट को समझने के लिए मैं कंटिन्यूस 3 वीडियो डालूंगा ताकि आप समझ पाएँ कि शेयर मार्केट में कैसे पैसा लगाना है, कैसे निवेश करना है, जिसकी पहली वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है। जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, उसमें मैंने लिंक दी है उस वीडियो की, आप उसमें देख सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फंडामेंटल्स को जान के आप किसी स्टॉक का कैसे चुनाव करेंगे। कई सारे सेक्टर्स होते हैं जैसे पावर सेक्टर, आईटी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, आप इनमें देखते हैं कि कई सारे कंपनीज होती हैं, आप इनमें से किस कंपनी का चुनाव करेंगे या आप समझ नहीं पाते हैं, तो इस वीडियो के जरिए आप समझ पाएंगे कि किसी स्टॉक का चुनाव किसी सेक्टर में कैसे किया जाता है। माना कि 3 कंपनीज हैं, ए, बी व सी, ये पावर सेक्टर की कंपनीज हैं। आपको इनमें से कोई एक स्टॉक चुनना है लेकिन आप सोच नहीं पा रहे हैं कि कौन सा स्टॉक चुने, कौन सा अच्छा है या किसी को छोड़ दें, तो आप इस वीडियो में आगे देखिएगा कि कैसे आप किसी स्टॉक को चुनेंगे। देखिए सेक्टर की 3 कंपनीज हैं ए, बी व सी। अब हम देखेंगे कि फंडामेंटली इनमें से हम किस कंपनी का चुनाव करेंगे और किस में निवेश करेंगे। एक कंपनी का जो हर क्वार्टर में प्रॉफिट है वो 20 से 30 करोड़, 30 से 40 करोड़ निरंतर बढ़ रहा है। बी का भी जो नेट प्रॉफिट है वो पहले घट रहा है 30 से 20, वो फिर 20 से सीधे 50 हो गया है। सी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूस घट रहा है 40 से 20, 20 से 10। आप इसका जो नेट प्रॉफिट है वो bseindia.com की वेबसाइट से देख सकते हैं, उसमें आप कंपनी को डालिए, उसमें नेट रिजल्ट आ जाएगा। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग। प्रोमोटर्स होल्डिंग क्या होती हैं? प्रोमोटर्स होते हैं कंपनी को चलाने वाले, हैं जिन्होंने कंपनी की स्थापना की है या जो कंपनी को चला रहे हैं, वो लोग इसमें हिस्सेदारी खरीदते हैं, वो कंपनी में अपनी हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें वो हिस्सेदारी बढ़ाते भी हैं और घटाते भी हैं। हिस्सेदारी बढ़ाने का मतलब है कि प्रमोटर्स देख रहे हैं कि कंपनी आकर्षक है, कंपनी में उनका पॉजिटिव रुझान बना हुआ है और वो इसमें अपनी हर क्वार्टर में हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। माना एक कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी 30 से 40 करी, 40 से 50 करी, बी कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी 40 से 50 करी और 50 से 60 करी, सी कंपनी ने भी अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया और 50 से 60, 60 से 70%। यहाँ पर देखा जा रहा है कि प्रमोटर्स होल्डिंग तीनों कंपनी लगातार बढ़ा रही है, इसलिए यहाँ पर प्रमोटर्स का रुझान है, उनका जो आकर्षण है वो कंपनी की तरफ बना हुआ है। तीसरे नंबर पर आता है प्रमोटर्स प्लेज। प्रमोटर्स जो भी हिस्सेदारी रखते हैं अपनी हिस्सेदारी में, वो कुछ शेयर्स गिरवी भी रखते हैं। गिरवी रखने का मतलब वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी इन्हें गिरवी रख सकते हैं या फिर अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए भी। यहाँ पर हम देखेंगे कि ए कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी 10% हिस्सेदारी जो है वो गिरवी रखी है, जबकि बी कंपनी ने 20% और सी कंपनी ने बहुत ज़्यादा 40% अपनी हिस्सेदारी रखी हुई है। यहाँ पर जो प्रमोटर्स प्लेज है वो ए और बी का तो कम है लेकिन सी का काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है, इसमें बाज़ार बताता है कि किसी कंपनी की क्या वैल्यू है, वो किसी कंपनी की क्या कीमत देना चाहता है। इसे कैलकुलेट करते हैं करंट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर ईपीएस से। माना ए कंपनी का जो करंट प्राइस है वो है 400 और उसका ईपीएस है 10, तो उसका प्राइस टू अर्निंग रेशो आ गया 40। बी कंपनी का भी करंट प्राइस है 400 और उसका ईपीएस है 6, तो उसका पी टू रेशो क्या आ गया 66। सी कंपनी का भी जो करंट प्राइस है वो है 400 और उसका ईपीएस आ गया 5, तो उसका प्राइस टू अर्निंग रेशो आ गया 80। यहाँ पर देखा जा रहा है कि ए कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो 40 है, बी का 66 और सी का 80 है। तो यहाँ पर बाजार ए कंपनी के लिए 40 रुपये खर्च कर रहा है हर 1 रुपये कमाने के लिए, तथा बी कंपनी के लिए बाजार 1 रुपये कमाने के लिए 66 रुपये खर्च कर रहा है, तथा सी कंपनी के लिए बाजार 1 रुपये कमाने के लिए 80 रुपये खर्च कर रहा है। पी टू ए रेशो सी कंपनी का बहुत ज़्यादा है।
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सी कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो ए व बी की तुलना में बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा पी का मतलब निवेशक कंपनी से ज़्यादा कमाई की उम्मीद रखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुतों को समझ नहीं आता है, वो समझते हैं कि ज़्यादा पी है तो ये आगे भी लंबी ग्रोथ देगा, जबकि ऐसा नहीं है। ज़्यादा पी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अच्छा होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, जबकि जो लंबे निवेशक होते हैं उन्हें प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम होने में ही फ़ायदा मिलता है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जब कम है तभी आप लंबे टाइम के लिए निवेश करेंगे। नेक्स्ट आता है EPS, अर्निंग पर शेयर, मतलब किसी स्टॉक की प्रति शेयर क्या वैल्यू है, वो कितना प्रॉफिट दे रहा है। तो इसे कैलकुलेट करते हैं हम नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स। एक कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है माना 100 करोड़ है और उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो 10 करोड़ है, तो उसका EPS आ गया 10। बी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 300 करोड़ है और उसका आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो है 50 करोड़, तो इसका EPS आ गया 6। ऐसे ही सी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो है 500 करोड़ और उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स आ गए 100 करोड़, तो उसका EPS आ गया 5। यहाँ पर भले ही बी व सी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ज़्यादा है, लेकिन पर अर्निंग शेयर के हिसाब से ए कंपनी बी व सी पर भारी पड़ रही है, इसलिए EPS ए का ज़्यादा है। अगला आता है प्राइस टू बुक वैल्यू, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है। इसका मतलब होता है कि अगर कंपनी बंद हो जाती है तो इसकी जितनी भी परिसंपत्तियां हैं उसमें शेयर धारकों को क्या मिलेगा, मतलब वो क्या बुक वैल्यू होगी। इसमें सबसे पहले जो कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं बुक वैल्यू प्रति शेयर इक्वल टू बुक वैल्यू, मतलब टोटल बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय कुल शेयर। अगर ये जो कीमत है वो स्टॉक का जो वर्तमान में भाव चल रहा है उससे कम है तो समझ लीजिए स्टॉक अंडर प्राइस है, मतलब आप इसे खरीद सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो ये ओवर वैल्यूड है, आप इसमें निवेश मत करिए। जो प्राइस टू बुक वैल्यू है इसे कैलकुलेट करेंगे करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू प्रति शेयर। ये जो अनुपात है अगर एक से कम होता है तो निवेश बेहतर माना जाएगा, मतलब इसमें हम स्टॉक में कितना डिस्काउंट मिल रहा है ये बता पाएंगे। बुक वैल्यू प्रति शेयर स्टॉक का डिस्काउंट बताता है, मतलब कोई स्टॉक हमें कितने अच्छे भाव पर मार्केट में मिल रहा है। एक बात आपको बता दूं कि प्राइस टू बुक वैल्यू विशेषकर बैंकिंग शेयरों में खरीदने के लिए देखा जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक कंपनी के जो कुल बुक वैल्यू है 20,000 करोड़, वो कुल शेयर है 50 करोड़ और इसका करंट प्राइस है 400 और बुक वैल्यू प्रति शेयर है 400, तो इसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू आ गई एक। बी कंपनी में देखेंगे हम कि इसकी कुल बुक वैल्यू है 30,000 करोड़, कुल शेयर है 60 करोड़, तो इसकी बुक वैल्यू प्रति शेयर आ गया 500 करोड़ और इसका करंट प्राइस है 400, तो इसके जो प्राइस टू बुक वैल्यू आ गई 0.8। सी कंपनी का जो कुल बुक वैल्यू है वो है 20,000 करोड़, कुल शेयर है वो है 80 करोड़, तो इसकी बुक वैल्यू प्रति शेयर आ गया 250, इसका भी करंट प्राइस 400 था, वो इसका जो बुक वैल्यू प्रति शेयर 250 है, तो यहाँ का बुक वैल्यू आ गया 1.6। यहाँ पर हम देखेंगे कि सी की जो बुक वैल्यू है वो आ रही है 1.6 से ऊपर, मतलब इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करिएगा। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल टर्म है डेब्ट टू इक्विटी रेशो, इसका मतलब कर्ज। कर्ज लेना कोई बुरी चीज़ नहीं होती, आप और हम भी कोई दुकान चलाते हैं या घर चलाते हैं, घर खरीदते हैं तो उसके लिए कर्ज लेते हैं, वैसे ही कंपनियां भी अपना बिजनेस चलाने के लिए कर्ज लेती हैं, वो अपना बिजनेस बढ़ाती हैं। मगर कर्ज लेने का मतलब ये भी नहीं होता कि अपनी माली हालत ही ख़राब की जाए, मतलब हमारे मुनाफे को कर्ज में बदल दिया जाए, वो कर्ज के बोझ तले कंपनी दब जाए। अब हम पता कैसे करेंगे कि कंपनी जो है वो हमारे पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल कर रही है या नहीं कर रही है, इसे हम कैलकुलेट करेंगे लायबिलिटी डिवाइडेड बाय इक्विटी से, मतलब कुल देनदारी डिवाइडेड बाय कुल इक्विटी से। अगर ये 5 से कम है तो ही इसमें निवेश करिएगा, अगर ये 5 से ज़्यादा है तो इसमें निवेश मत करिएगा। ऑटो कंपनियाँ, सीमेंट कंपनियाँ, इनको कर्ज की ज़रूरत पड़ती है जिससे इनके मुनाफे में भी फ़र्क पड़ता है। ये कंपनियाँ छोटी अवधि या लंबी अवधि के लिए ज़्यादा कर्ज लेती हैं, माना एक कंपनी की जो कुल देनदारी है वो है 50 करोड़ और कुल इक्विटी है 40 करोड़, तो इसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशो आ गया 1.2। बी कंपनी की जो कुल देनदारी है वो है 100 करोड़, वो उसकी जो कुल इक्विटी है 20 करोड़, तो इसकी वैल्यू आ गई 5। सी कंपनी की जो कुल देनदारी है 100 करोड़ डिवाइडेड बाय इक्विटी है 10 करोड़, तो इसकी जो कुल डेब्ट टू इक्विटी रेशो आ गया वो आ गया 10। यहाँ पर हम देखेंगे जो सी कंपनी है इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशो बहुत ज़्यादा है, बी का भी लगभग ज़्यादा है, जबकि ए का बहुत कम है। आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल टूल है जिसका नाम है ROE, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी।
ये बताती है कि कंपनी कैसे मुनाफा कमा रही है, हमारे पैसे से किस तरीके से मुनाफा कमा रही है, हमारे पैसे को कहाँ पे लगा रही है। इसे कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी इनटू 100। जिस स्टॉक को हम खरीद रहे हैं अगर उसका आरओई 20% से ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छा है, आरओई जितना ज़्यादा होगा उतना ही फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पर हम देखेंगे कैलकुलेशन करके कि ए की जो आरओई वो 50% है, बी की 37% है व सी की 33% है, तो ए कंपनी बी व सी की तुलना में ज़्यादा अच्छी लग रही है। कि जब हम देख सकते हैं कि डिविडेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी कंपनी किसी साल में अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें कितना डिविडेंड दे रही है, मतलब अपना जो भी प्रॉफिट कमा रही है उसमें से कितना बोनस दे रही है, ये भी एक तरीके से हम किसी में देख सकते हैं किसी भी स्टॉक में। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि क्योंकि कई कंपनीज होती हैं वो डिविडेंड नहीं देती है। अब तक तो आप तीनों कंपनीज में समझ गए होंगे ए बी और सी में कि सी कंपनी खरीदने लायक नहीं है क्योंकि कंपनी का जो प्रमोटर्स प्लेज है वो बहुत ज़्यादा है, कंपनी का ईपीएस है बहुत कम है, प्राइस टू बुक वैल्यू एक से ज़्यादा है और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका आरओई है वो बहुत कम है और इसमें कर्ज बहुत ज़्यादा है, इसलिए सी कंपनी को आप मत खरीदेगा। बात करेंगे ए व बी कंपनी की। ए व बी कंपनी दोनों ही अच्छी है ख़रीदने के लिए, दोनों का जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है, दोनों की ईपीएस सही है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी सही है, लेकिन अंतर कहाँ पे आ रहा है, आरओई व कर्ज पे। जो आरओई है ए कंपनी का वो 50% है, काफ़ी ज़्यादा है बी से, और साथ में कर्ज भी बहुत कम है, डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 1.2 है। इसलिए तीनों ए बी व सी में से आप ए कंपनी का चुनाव करेंगे क्योंकि ए कंपनी बी व सी की तुलना में काफ़ी अच्छा फंडामेंटल दे रही है, काफ़ी इसके फंडामेंटल्स मजबूत हैं, तो ए कंपनी को आप चुनिएगा। तो आज का नॉलेज मंत्रा ऑफ द वीक, सरकार ने प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत दो टाइप के जो इंश्योरेंस लाए हैं, एक जीवन सुरक्षा योजना और दूसरा जीवन ज्योति बीमा योजना। दोनों में खासियत यह है कि दोनों की प्रीमियम बहुत कम है। जो सुरक्षा योजना है उसके अंतर्गत सिर्फ साल के 12 रुपये का प्रीमियम देके आप 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ले सकते हैं या 18 से 70 साल के बीच में। इसमें मतलब अगर आपकी मृत्यु एक्सीडेंट में हो जाती है या पूर्ण रूप से विकलांग होते हैं तो इसमें आपके नॉमिनी को 2 लाख रुपये मिल जाएंगे। दूसरा है जीवन ज्योति बीमा योजना, ये एक जीवन को कवर देती है, किसी भी वजह से अगर आपकी मृत्यु 55 साल से पहले हो जाती है 18 से 55 के बीच में तो इसमें आपको LIC की तरफ से 2 लाख रुपये मिलेंगे। ये बहुत अच्छी योजना है, इन्हें आप जरूर करिएगा। किसी भी बैंक में जाके आपको एक फॉर्म भरना है, सिंपल सा फॉर्म है जहाँ भी आपका खाता है, और आप इनको ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब करिए और स्वप्निल वेल्थ मंत्रा।